देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज, स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। शुरुआत करते हैं ऐश्वर्या राय बच्चन से। जी हाँ, पनामा पेपर लीक मामले में ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम तेजी से सामने आ रहा है। हालांकि देखा जाए ऐश्वर्या का बचाव करने के लिए खुलकर जया बच्चन ने भी अब मोर्चा संभाल लिया और ऐश्वर्या का बचाव करती नजर आ रही है। लेकिन इस खबर में हम बात कर रहे हैं ऐश्वर्या राय बच्चन का कांग्रेस पार्टी के नेताओं से बड़ा कनेक्शन। जी हाँ, ऐश्वर्या राय की बड़ी तस्वीरें इन दिनों देखी जा रही है। ऐश्वर्या राय की कुछ तस्वीरें नजर आई जिसमें देखा जा रहा है कि ऐश्वर्या कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता शशि थरूर, यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी, इसके अलावा पार्टी के कई बड़े नेताओं के साथ मुलाकात करती नजर आ रही है ऐश्वर्या राय की। हालांकि ये पुरानी तस्वीर है, लेकिन ये माना जा रहा है कि ऐश्वर्या राय का कांग्रेसी नेताओं से बहुत पुराना कनेक्शन रहा है। यानी कि ऐश्वर्या राय का कांग्रेसी नेताओं के साथ अच्छा खासा रिश्ता यहाँ पर बताया जा रहा है। तो चुनावों से पहले ऐश्वर्या राय का कांग्रेस पार्टी के नेताओं से खास कनेक्शन, और यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि पनामा पेपर लीक मामले में फंसने के बाद ऐश्वर्या राय जिस तरह से खुद का बचाव करती नजर आ रही है। हालांकि ये देखा जा रहा है कि ऐश्वर्या राय से बीते कुछ समय पहले बातचीत की गई थी, बड़े अधिकारियों ने उनसे बातचीत की गई थी, लेकिन अभी इस मुद्दे पर सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। और वहीं जया बच्चन ये साफ तौर पर कह रही है कि दरअसल उनकी बहू ऐश्वर्या को इसलिए पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, इसलिए उन्हें घेरा जा रहा है क्योंकि सत्ता पक्ष इस वक्त डर गई है। उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले, इसको देखते हुए सरकार यह सब काम कर रही है, लेकिन सरकार के मंसूबे कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। हालांकि जया बच्चन ने बीजेपी को श्राप भी दिया और उन्होंने कहा कि बीजेपी के बुरे दिन अब शुरू होने वाले और उनको आने वाले समय के चुनावों में हार का सामना भी करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।